गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले एक नया रोम जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। इस रोम का नाम है ऑक्टावियस ओएस, जो कि काफ़ी स्टेबल रोम है, स्टेबल बिल्ड है और ऑफिशियल बिल्ड है। तो इसमें आपको कोई भी मेजर बग्स देखने को नहीं मिलेगा इस रोम का। इस रोम का जो सिक्योरिटी पैच है वो 5 अक्टूबर का है, तो काफ़ी लेटेस्ट रोम है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। तो गाइस, इसकी बात करते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर। और गाइस, बाकी के जो डिफ़ॉल्ट आते हैं वो सब इसमें ऑलरेडी है। तो गाइस, बात करूँ कैमरे की, तो कैमरा गो का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी स्मूथली काम करता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें आपको 3-4 मोड देखने को मिलता है, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो और ट्रांसलेटर मोड। तो गाइस, यहाँ पर आपको और भी चीज़ें देखने को मिलता है अपने कैमरे को मॉडिफाई करने के लिए, तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। अब गाइस, बात करते हैं इसके गेस्चर्स की, तो गेस्चर्स में आपको सभी गेस्चर्स देखने को मिलते हैं नेविगेशन के। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आपको तीनों ही गेस्चर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेस्चर नेविगेशन, 2 बटन नेविगेशन और 3 बटन नेविगेशन। ये तीनों भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई लैग आपको गेस्चर्स में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट गेस्चर नेविगेशन में सेट करता हूं और आगे जाता हूं। तो बस अभी बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप, तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी डिसेंट का परफॉर्मेंस देता है, आप फुल चार्ज पे फुल डे यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी बैटरी ड्रेन का इश्यू देखने को नहीं मिलता। भाई, जी एफ्स की बात करें तो इसमें आपको जी एफ्स का सपोर्ट इनबिल्ट प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलता, आपको अलग से जी एफ्स की फाइल फ्लैश करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने इसमें नैनो का वर्जन फ्लैश किया, तो यहाँ पर ऐसे मुझे प्ले स्टोर का सपोर्ट देखने को मिलता है। बात करूँ इसके ट्विक्स की और मॉडिफिकेशन की, तो यहाँ पर आपको एक ऑक्टावी लैब करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप अपने डिवाइस को मॉडिफाई कर सकते हो अलग अलग। तो यहाँ पर आप देखते हैं स्टेटस बार, लॉक स्क्रीन, बटन, सिस्टम, नोटिफिकेशन, मिसलियस और नेविगेशन, ये चीज़ों का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको कई सारे ट्विक देखने को मिलेंगे, जिस तरह से आप अपना डिवाइस मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर और भी कई सारे हैं, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और अपने हिसाब से इसे यूज़ करिए। तो यहाँ पर बात करूँ वॉलपेपर, तो वॉलपेपर आपको ये डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है, और बाकी के वॉलपेपर्स की तरफ में जाओ तो यहाँ पे आपको ऑल भी वॉलपेपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐप मिलता है वॉलपेपर नाम का, लोड हो जाएंगे और ये काफ़ी स्मूथली काम करता है। मैं नेट में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, देख सकते हो नो इंटरनेट आ रहा है, तो ब्रॉडबैंड में कुछ तो इशू हो गया, इस वजह से दिखा रहा नहीं, लेकिन जैसे आप नेट से कनेक्ट करोगे तो भी काम करना चालू। बात करूँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी काफ़ी स्मूथली काम करता है इस रोम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसे सेट कर रखा हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। और भी कई सारे आपको ये क्लॉक के सेटिंग देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे क्लॉक के डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है, तो इसे भी आप यूज़ करते हो काफ़ी स्मूथली काम करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ तो वो भी काफ़ी स्मूथली काम करता है इस रोम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी अगर फिंगरप्रिंट यूज़ करूँ तो वो भी काफ़ी, फेस अनलॉक भी काफ़ी ईजिली काम करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेस अनलॉक भी काफ़ी स्मूथली काम करता है इस रोम में। तो यहाँ पर आपको और एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखने को मिलती है कि आप जो फेस अनलॉक का कैमरा और साउंड इफेक्ट है वो दोनों भी एलईडी और साउंड इफेक्ट है वो दोनों भी यहाँ पे आप देख सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो, कई सारे सेटिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो कैमरा ऑन होते ही गियर व्हील का मैंने साउंड डिफ़ॉल्ट में रखा है, तो आप चाहिए तो अपने हिसाब से और भी कोई रख सकते हो। गाइस, यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर की बात करें, बेंचमार्क स्कोर काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है, कुछ ज़्यादा हैवी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। 3,47,000 का स्कोर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है, लेकिन एकदम हैवी यूजर्स के हिसाब से नहीं देखने को मिलता है। अगर इस DRM इन्फो की बात करूँ तो Wide 1 L1 का भी सपोर्ट इस फॉर्म में इंस्टॉल देखने को मिलता है। तो अगर इस बात करूँ इसके इंस्टॉलेशन काफ़ी सिंपल, आपको 3 फाइल डाउनलोड करना है, फ्रीमवेयर की और रॉम की और GFS की, ये 3 फाइल डाउनलोड कर रखा है, तो मैंने ऑलरेडी सभी डाउनलोड कर रखा है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, इसे रिबूट करता हूँ रिकवरी मोड में। तो जैसे आप अपना डिवाइस बूट कर लोगे रिकवरी मोड में, आपको सबसे पहले अपना डेटा वाइप करना है, तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ें वाइप कर देता हूँ, इसे करता हूँ मैं वाइप। अगर आपको कोई MIUI के रोम से आ रहे हो तो आप फॉर्मेट डेटा पे प्रीफर करिए, क्योंकि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रोम फ्लैश करने के बाद, कभी कभी बूट लूप में आपका रोम फंस जाता है, इसके लिए आप फॉर्मेट डेटा है। अभी आपको इंस्टॉल पे जाना है और इंस्टॉल में आपको सभी फाइल सिलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले मैं फ्रीमवेयर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर 12.0.3 जो कि लेटेस्ट फ्रीमवेयर इसे सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं रोम की फाइल ले लूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पर GFS ले लूँगा, तो गाइस यहाँ पर 10 सिलेक्ट हो गई, तो मैं इसे क्लियर करता हूँ, फिर से मैं फ्रीमवेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, रोम सेलेक्ट किया, अभी GFS सेलेक्ट करता हूँ, और इसके बाद मैं और एक फाइल डालूँगा इसमें कि डिस्क्रिप्टर की, जो मुझे डिक्रिप्ट कर देगा मेरा रोम। तो ये चारों चीज़ों को मैं फ्लैश करूँगा, तो फ्लैश होने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, तब तक आप पैनिक मत होइए और आराम से वेट करिए फ्लैश। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा डिवाइस
फ्लैश हो चुका है, अब मैं इसे करूँगा रिबूट सिस्टम में और वेट करूँगा इसे बूट होने का। तब तक के लिए मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डिवाइस सक्सेसफुली बूट हो चुका है। तो इस तरह से आपको ये रॉम इंस्टॉल करना है। तो और गाइस अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरा चैनल जरूरी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अब नए वीडियो में।